हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा व्याकरण के तहत अव्यय या अविकारी शब्दों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द वह होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और काल के प्रभाव के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे, वह धीरे धीरे दौड़ता है, तुम तेज दौड़ते हो। यहाँ पर धीरे धीरे और तेज क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द हैं। अव्यय के भेद। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। यहाँ पर सबसे पहले हम अव्यय के पहले भेद के बारे में बात करेंगे, जो कि क्रिया विशेषण है। तो आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, परिभाषाएँ, अर्थ, प्रकार और उदाहरण। क्रिया विशेषण। सामान्य रूप से क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, यहाँ, बहुत तेज, अभी, धीरे धीरे आदि। क्रिया विशेषण के कार्य। क्रिया विशेषण के मुख्य कार्य निम्न हैं। क्रिया की विशेषता बतलाना, क्रिया के होने का ढंग बतलाना, क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराना, क्रिया के घटित होने की स्थिति दर्शाना, क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृति का बोध कराना। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण को मुख्य रूप से प्रयोग, रूप और अर्थ के आधार पर 3 भेद में बांटा जा सकता है। पहला है प्रयोग के अनुसार भेद या क्रिया विशेषण, दूसरा है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण, तीसरा है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अब हम एक एक करके इन तीनों पर बात करेंगे। पहला है प्रयोग के अनुसार भेद। इसके 3 भाग हैं। पहला है साधारण विशेषण। वाक्य में स्वतंत्र ढंग से प्रयुक्त होने वाले क्रिया साधारण विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे, वह यहाँ आता है, वह वहाँ रहता है, नरेश जल्दी आओ, बालक कहाँ गया, यहाँ, वहाँ, जल्दी, कहाँ आदि क्या हैं? ये साधारण विशेषण हैं। संयोजक विशेषण। किसी उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण इस वर्ग में आते हैं। जैसे, जहाँ, वहाँ, जब, तब आदि। आइए उदाहरण देखते हैं। जहाँ आप जाएंगे, वहाँ वह नहीं आएगा। जब आप आज्ञा देंगे, तब मैं उठा लूँगा। अनुबद्ध विशेषण। किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, तक, भर, तो, भी आदि। आइए उदाहरण देखते हैं। यह कार्य तो किसी ने कर दिया, मैंने उसे देखा भर था, कलुआ गया भी नहीं, तुमने उसे देखा तक नहीं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानिक क्रिया विशेषण। पहला है मूल क्रिया विशेषण। बिना किसी सहारे स्वतंत्र रूप वाले क्रिया विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे, दूर, ठीक, अचानक, नहीं, फिर आदि। आइए उदाहरण देखते हैं। विश्राम घर यहाँ से दूर पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो, वह अचानक आ गया, मैं उसे नहीं जानता। दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। परसर्ग या प्रत्यय के साथ जुड़कर आने वाले शब्द यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसे संयुक्त क्रिया विशेषण भी कहते हैं। जैसे, मन से काम करो, दिल से पूछो, राम वहाँ पर रहता है, यहाँ पर कोई नहीं आता। आइए संयुक्त क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, बीच बीच, गांव गांव, घर घर, दो बार, 3 बार, रात दिन, घर बाहर, साथ साथ, प्रतिपल, प्रतिदिन, अनपढ़, एक एक कर, विशेष कर आदि। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द संयुक्त क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानिक क्रिया विशेषण। बिना रूपांतर के किसी स्थान विशेष में आने वाले क्रिया विशेषण को स्थानिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, विवेक अपना सिर पढ़ेगा, राजेश अपना सिर पीटेगा। तीसरा है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है परिमाण बोधक विशेषण।
परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण वे विशेषण हैं जिसमें संख्या अथवा मात्रा की विशेषता का बोध प्रकट होता है, जैसे अति, बहुत, केवल, बार बार, कितना, थोड़ा थोड़ा आदि। दूसरा है रीति बोधक विशेषण। रीति बोधक क्रिया विशेषण गुणवाचक विशेषण से संबंधित होते हैं। इनमें प्रकार, निश्चित, अनिश्चित, कारण, स्वीकार आदि शब्द आते हैं, जैसे स्वयं, सही, अवश्य, शायद, हाँ, सच कहो, मत मात्र आदि। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।